निर्माण किए थे, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, कीट किस, हमने सारे मिलकर उसको तैयार किए। एक तो इससे सोच था कि कोरोना का जो क्लाउड है इसमें आर्टिस्ट जो टेंशन में था, हम सोचे कि सब इधर आए, साथ में बातचीत करेंगे, डांस करेंगे, खाना खाएंगे और पेंटिंग करेंगे, एक एटमॉस्फेयर ऐसे होगा, थोड़ा पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेगा। और वो पॉजिटिव वाइब्रेशन अभी जो देख रहे हैं उसका वो रिजल्ट है। और इसमें आप देखेंगे लगभग 8 प्रदेश का काम है, इसमें आप झारखंड का काम देखेंगे अलग, बंगाल का काम अलग है, नॉर्थ ईस्ट का काम अलग है, और बिहार का काम अलग है, उड़ीसा का काम एक इसी कंटेम्परेरी आर्टिस्ट का काम अलग आप नजर आ रहे हैं। उसका साथ साथ जो ट्रेडिशनल आर्टिस्ट है, जो इंडिजिनस आर्ट है, जो ट्राइबल आर्ट है, हम चाहे कि सब साथ काम करें। हमारा ऐसे होता है ना, कभी कभी ऐसे लगता है जातिवाद, हम कंटेम्परेरी आर्टिस्ट अलग है और ट्रेडिशनल आर्टिस्ट अलग है। तो हम यहाँ पर कोशिश की कि एक ही जगह में बैठेंगे, साथ में काम करेंगे, और साथ हम डिस्टेंस चाहते हैं कि मिलाने के लिए, शादी कराने का, क्योंकि बहुत जरूरी है। हमारी जो इंडिजिनस आर्ट है हजारों साल पुराना, और उनका अंदर में वो ताकत है। अभी भी देखेंगे ना, एक एक सब्जेक्ट को लेके कोई सुभाष बोस को लेके काम कर रहे हैं, कोई मतलब कोई भी सब्जेक्ट, कंटेम्परेरी सब्जेक्ट को लेके वो लोग काम कर रहे हैं, और उनके पास वो टैलेंट है। उनको भी अजंता एलोरा बनाया। आप सोचिए उस टाइम कैसे सोच होगा, मैंने बनाना तो अलग बात है, लेकिन इमेजिन करना, इतना बड़ी चीज इमेजिन करना। तो इसलिए इतना बड़ी चीज हमने यहाँ प्लान किया। पहले तो शुरुआत में ऐसे हो रहा था कि कैसे होगा, क्या होगा, इंडिविजुअल लोग काम कर रहे थे। अभी देखिए एक ही कैनवास जैसा लगेगा। जब दिल मिल जाता है ना, एक सोसाइटी अच्छा मैसेज आता है। आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर 250 आर्टिस्ट काम किए, आपको लगेगा ये एक ही कैनवास है। हमारी भी वही सोच था। और इसमें हम डिफेंस मिनिस्ट्री का साथ और कल्चरल मिनिस्ट्री मिलके इस बार जो 26 जनवरी में सारी आर्ट वर्क वहाँ डिस्प्ले होगा। अब सोचिए इतने बड़े कैनवास और कई किलोमीटर तक कैनवास हम बना रहे हैं, आप पीछे भी देखेंगे तो एक जो आभास होगा, वहाँ पर इतने गेस्ट आएंगे, सारे देखेंगे उसका जो रिजल्ट, कि हम अमृत महोत्सव बना रहे हैं। तो देश में बहुत अनसन हीरो होते हैं जो उनको हम भूल गए थे, और एक जगह में हम साथ को लेके रिसर्च करना, उसको प्रॉपर स्पेस देना और उनका बारे में पेंटिंग में तैयार करना, ये पहली बार हुआ है। तो इतना बड़ा कैनवास भी ये इंडिया में पहली बार हुआ कि इस तरह का सोच में हम काम करना। और सबसे बढ़िया बात है कि जो एटमॉस्फेयर, अब देखिए इंद्रदेव भी हमारे लिए बहुत हेल्प किए, 5-7 दिन हम यहाँ काम किए, पहले से मेरे को बता रहे थे बारिश होगा, लेकिन सबका जब अच्छा सोच होता है ऊपर वाला भी मदद करता है। और यहाँ जो मिट्टी है, जो खुशबू है, कला का जगह है जिसको उत्कल बोलते हैं, तो यहाँ पर जो वाइब्रेशन अभी शुरू हो रहे हैं ये देश भर चलेगा, क्योंकि यहाँ सनराइज होता है। कोणार्क मंदिर हमने बनाया तो वो कनेक्शन है ना, जहाँ से आप शुरुआत करते हैं। मैंने भी नहीं सोचा था कि इतना अच्छा हो जाएगा। और ये एटमॉस्फेयर और आर्टिस्ट, हमारे स्टेट सब मिलके हम तैयार किए। और एक की एक्चुअल स्टेट का बात तो अलग है, इस तरह का मेरे को लगता है कि पूरा देश, पूरा विश्व भी ऐसे होना चाहिए, साथ मिलके कुछ काम करे तो वो जो प्रभाव पड़ेगा सोसाइटी का ऊपर। क्योंकि देखिए बड़े बड़े लोग तो सरकार चलाते हैं, पॉलिटिशियन हो, ब्यूरोक्रेट हो, लेकिन सोसाइटी को आर्टिस्ट चलाता है। तो ये जो इमेजिन हजारों साल का बाद क्या होगा वो इमेजिन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जो आर्टिस्ट आके वहाँ काम करें और सोच तैयार करें, जो कि फ्यूचर के लिए क्या हो सकता है। यहाँ बातचीत भी हम शाम करते हैं, आर्टिस्ट से डिस्कशन करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, मतलब एक बहाना माध्यम से पेंटिंग तो होता है, लेकिन जो बार बार हमें बता कनेक्शन आर्टिस्ट का साथ। और पहली बार नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट दिल्ली से आके यहाँ काम कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है हमारी कंट्री के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सर।